हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग साइन विद गीतु। इधर मेरी नेक्स्ट लोकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये लोकेशन है सिरसा की। यहाँ पे कोई तारा बाबा के नाम से कोई कुटिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो हमें यहाँ पर लेकर के आए थे। उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर सभी चीज़ के दर्शन कराए कि मेरी मम्मी तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई, बोली कि सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हमारी जो लोकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम यहाँ पे पहली बार ही आए हैं और इतना ज़्यादा अच्छा व्यू था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था यहाँ पे आने के बाद में कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। हमें नहीं पता था कि इसके हमें अंदर जाना है। हमें लगा कि ये बस बाहर से ही हमें देखना है। बाहर से देखने के बाद में जो हमारे साथ में भाभी थी वो फिर हमें अंदर ले कर गई। मेरी मम्मी तो बस देखती ही रह गई। इतनी ज़्यादा सुंदर और प्यारी लग रही थी ये जगह, बहुत ही सुंदर थी कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी थी। अगर कोई सिरसा से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो शायद उनको पता होगा इस वाली जगह की, ये तारा बाबा के नाम से मशहूर है। तो हमने यहाँ पर एंट्री स्टार्ट कर दी है। यहाँ से हमें एंट्री लेनी है इस गुफा के अंदर। जैसे ही हम इस गुफा के अंदर हमने एंट्री की, यहाँ पर आर्टिफिशियल पौधे, सांप, जानवर सब कुछ लगे हुए थे। तो काफ़ी बच्चे तो मेरे हमारे डर ही गए थे कि इसमें ये क्या है। मेरे पापा तो आप देख ही सकते हैं, उनको टच कर करके फील कर रहे थे कि क्या क्या लगाया हुआ है इस गुफा के अंदर। हमें लगा छोटी मोटी ही गुफा होगी, लेकिन जैसे ही हम अंदर एंटर करें, आप लोग देख ही सकते हैं मेरी वीडियो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और इतना ज़्यादा अच्छा व्यू था। अंदर जाके तो सच में हम भूल ही गए, हमें ये याद ही नहीं आया कि हमें गुफा में कितनी आगे जाना है। बस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती जा रही थी। आप लोग देख ही सकते हैं इस गुफा के ही अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं हर तरीके की। और यहाँ पे सब चीज़ें थी शिव परिवार का, और जैसे कि सती माँ को जो भोले बाबा ने उठाया था वो भी यहाँ पे चीज़ें थी। बहुत ही प्यारा था, सच में बहुत ही सुंदर व्यू था। एक एक चीज़ बड़े प्यार से यहाँ पर संजोई है। और यहाँ पर जो तारा बाबा हैं उनकी भी एक एक चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर ये है जहाँ पर सती को भोले बाबा लेकर के निकले थे, वो भी चीज़ यहाँ पे एक एक दर्शाई गई है बहुत ही प्यारे तरीके से। और इतना सुंदर व्यू है, शायद आपको कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, नज़दीक से देखने में तो इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जहाँ की स्टार्ट होती है, यहाँ स्टार्ट हुई है जहाँ पार्वती और भोले बाबा की विवाह हो रहा था, बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर उसके बाद में फिर मैं अपनी मम्मी पापा की फ़ोटो क्लिक की थी, क्योंकि मेरी मम्मी बार बार थके जा रही थी, कहीं पर भी बैठ जाती थी, तो मैंने यहाँ पे उनको बिठा करके उनके फ़ोटो क्लिक किए हैं। मम्मी को नहीं लग रहा था कि इतनी लंबी हो भी सकती है, मम्मी को लगा कि छोटी मोटी ही होगी, बस थोड़ी देर में हम घूम करके आ जाएंगे। हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, शायद हमारे साथ अगर वो भाभी नहीं होते तो हम इसमें पूरी में घूम भी नहीं पाते, क्योंकि हम पहली बार गए थे, हमें तो पता ही नहीं था कि इसमें कहाँ कैसे और क्या क्या दर्शन करने हैं। यहाँ वही ये वाले जो बाबा दिखाई दे रहे हैं झांकी में, वही बाबा हैं जो तारा बाबा हैं। वो रियलिटी में जो जो चीज़ें उनके साथ होती थी, जैसे वो रहा करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई। रियलिटी की तरह यहाँ पे हर चीज़ दिखाई गई है, आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पे शायद कैमरे में इतनी अच्छे से नहीं आ रही थी, जैसे कि सामने कोई लेडीज चूल्हे पर रोटी बना रही है तो उसमें आग जलती हुई दिखाई दे रही थी। हर चीज़ मतलब बहुत ही अच्छे से यहाँ पर संजोई गई है, जैसे कि पुराने ज़माने में घास के उनके जो घर बनाए जाते थे वो भी चीज़ यहाँ पर है। और अब तारा बाबा भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से गांव में सिंपल लोग रहा करते थे, उसी तरीके से हर चीज़ यहाँ पे मतलब तारा बाबा की भी एक एक चीज़ यहाँ पे संजोई गई है, और भगवान से भोले बाबा से भी रिलेटेड यहाँ पे एक एक चीज़ अच्छे से तैयार की गई है। बोला जाता है कि तारा बाबा जो थे, जो तारा बाबा की कुटिया है, वो सबसे बहुत बड़े भक्त थे भोले बाबा के, तो भोले बाबा की हर चीज़ यहाँ पे संजोई गई है। यहाँ पे लोग बता रहे थे कि यहाँ पे पैसे डाले जाते हैं और अपनी मान्यता यहाँ पे मांगी जाती है, जब मान्यता पूरी होती है फिर यहाँ पे दोबारा आया जाता है। बहुत ही अच्छे लग रहा था। और मेरे पापा तो इतने ज़्यादा खुश हैं इस जगह को देखने के बाद में, बोल रहे थे कि सच में यहाँ पर आ करके तो दिल खुश हो गया, इतना अच्छा व्यू था। सारी चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा भोले बाबा की ही थी, राक्षस वगैरह जो भी मतलब भोले बाबा की कहानी में आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं बहुत ही अच्छे से। पता नहीं किसने बनाया है, जिसने बनाया सच में उसकी तारीफ करने लायक है, क्योंकि जो से चिपट गए और वो यमराज जी आए प्राण रहने के लिए, शिव जी ने बचाई इनकी एक ही दिन की जो जिंदगी। अच्छा,
भागवत में नाम है ना कि वो जो एक दिन की जिंदगी मिली भगत है उसे मिली चिपट गए तो बोले बाबा तो कह रहे यमराज जी जब आएंगे मांग लेंगे वो वाले भगत है। हाँ यमराज है तो सही, यमराज जी है तो सही। हर चीज़ इस गुफा में इस तरीके से सेट की गई थी कि जो भी भक्त दर्शन करने यहाँ पे आए उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एकदम पॉजिटिविटी सी। हर कोने में भजन सुनाई दे रहे थे, हर कोने में एसी कूलर की व्यवस्था की गई है जिससे कि अंदर जाने के बाद में किसी भी लोगों को घुटन वाली चीज़ ना हो, कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना हो। अच्छे से इसमें वेंटिलेशन था, हवा भी अच्छे से आ रही थी। पता नहीं किस तरीके से इन लोगों ने इसमें फिट किया हुआ था। भजन हर कोने में सुनाई दे रहे थे, जहाँ पे भी हम खड़े हो जाते थे वहीं पे ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती थी। एसी कूलर भजन वगैरह सब कुछ की व्यवस्था की गई थी यहाँ पे। मैं मम्मी पापा के साथ में थी कि कहीं हम लोग गुम ना हो जाएं। आप लोग गुफा को देख ही सकते हैं किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, एकदम से अलग तरीके से। हम मैंने तो पहली बार इस तरीके की गुफा देखी है। इस तरीके से जिस तरीके हर कोने में जिस तरीके से तारा बाबा बैठे हुए हैं, हर कोने में इसी तरीके से उनको बिठाया गया था। जहाँ जहाँ हम जैसे ही मोड़ आता था वहीं पे तारा बाबा या भोले बाबा की या उनके जो भक्त थे इस तरीके से उनके साथ में बैठा करते थे। उसी तरीके से एक एक चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, देखने लायक चीज़ें थी यहाँ पे हर चीज़ें। और सभी लोग बता रहे थे कि इसी तरीके से जो तारा बाबा थे वो इसी तरीके से अपने भक्तों के साथ रहा करते थे। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पे जितनी भी भोले बाबा की शिवलिंग है जैसे कि केदारनाथ हो गया, मतलब जितनी भी उनके हैं ना वो सारी यहाँ पे थी। उसके बाद में हम ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद में बच्चे खूब ज़्यादा मस्ती यहाँ पे कर ही रहे हैं। बहुत लंबी लंबी सुरंग जैसी ऊपर के लिए जा रही थी, आप लोग देख ही सकते हैं इस तरीके से हम चढ़े। उसके बाद फिर हम बाहर निकल के आए, तब जाके हमें लगा कि हम इतना ज़्यादा लंबा चल कर के आए हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं फ़ोटो वगैरह हम सभी लोगों ने क्लिक की हैं। बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ पे आ ही रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। बेटे आगे से हटना थोड़ा, अरे फोटो तो करा लो ऊपर से। अंदर ही अंदर। फिर हम गुफा के बाद में फिर हमने मंदिर में दर्शन किए, जहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था। लोगों ने मना किया था कि यहाँ की वीडियो नहीं बनानी है, तो इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई थी। दर्शन करने के बाद खुश हो गया ना, मन की चीज़ मिल गई। मंदिर का ही ये पार्क है, बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ यहाँ पे बनाई गई है बैठने के लिए, जिससे कि कोई भी बंदा यहाँ पे बोर ना हो। उसके बाद में फिर हम निकल के आ गए हैं बाहर, और ये जो आप दिखाई दे रहे हैं पहाड़ टाइप के, यही गुफा थी। इसी के अंदर हम दर्शन करके आए हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि हम इसके अंदर दर्शन करके आए हैं इतने सुंदर तरीके से। और इधर फिर हम बाहर आ गए हैं और मेरी मम्मी थक चुकी हैं क्योंकि सुबह से ही वो घूम ही रही हैं, क्योंकि पहले हम गोगा मेली गए थे दर्शन करने के लिए, फिर हम गए थे जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था आश्रम, वहाँ गए थे। शायद आपने पिछली वीडियो देख ही ली होगी। तो सभी लोग थक चुके हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।